नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए स्टूडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का आज ट्यूसडे के दिन इंट्राडे में मूवमेंट कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल वेडनेसडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये पर है बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहां पे आज एक अपन को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद एक 15 मिनट्स की रेंज बनती हुई देखने को मिली। जैसे 15 मिनट्स का रेंज का ब्रेकआउट 940 वाली कैंडल्स देखने को मिला है, वहां से अपन को एक स्कैल्पिंग मूव अपसाइड का देखने को मिला है, जिसमें कि रेजिस्टेंस हमें प्रीवियस स्विंग हाई जो कि हमें मंडे के दिन देखने को मिला था, वहां से अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट अपन को ये इनडिसीजन कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिली है। वहां से जैसे इसका लो का ब्रेकडाउन हुआ है, वहां से अपन को बहुत अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए प्राइस एक्शन एक बहुत अच्छा डाउन साइड का बनाते हुए बैंक निफ्टी हमें डाउन साइड का एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। और जो फाइनल क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी की देखने को मिलेगी वो मिली है 51,300 के लेवल के आसपास की। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के दिन का इंट्राडे का मूवमेंट का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन आ रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये बने बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो मैं आज ट्यूसडे के दिन की कैंडल देखने मिली वो एक अपन को बेयरिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिली है। यहाँ से जो अपन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर्म होती देखने मिला है वो है 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो एक अपन यहाँ से डाउन साइड में एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,155 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बुलिश मूव की बात करें तो अपसाइड की मोमेंटम अपन को तभी देखने मिलेगी जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, जो कि है 52,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपन यहाँ से एक बहुत अच्छी मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना 53,700 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और जब तक इस रेंज में मोमेंटम करे, यहाँ पे अपन को वॉलेटिलिटी भरा मूव बैंक निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल वेडनेसडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों अपन आगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, सबसे पहले अपन बात करेंगे डाउन साइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। तो डाउन साइड की मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकडाउन करे, जो कि है 51,180 का लेवल। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक अपन को यहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो मैं पहले चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के नीचे अपन को बहुत दिनों बाद मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों जो अपना सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि है 50,725 के आसपास का लेवल। और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 50,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 51,180 के लेवल के नीचे डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी। तो अब चलिए देखते हैं बुलिश मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। बुलिश मूवमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगी जब इस लेवल का ब्रेकआउट करे, जो कि है 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपन को बहुत अच्छी मोमेंटम यहाँ से अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 52,250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो सीधे फिर जो अपना सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 52,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे, जो कि ये वाली रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डीके देखने को मिल सकता है, तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 51,180 का लेवल ब्रेकडाउन करे, तो एक अपन को एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से एक अपन को अच्छी ट्रेंड लाइन कल के लिए देखने को मिल रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करें, साथ ही साथ 51,180 का लेवल भी ब्रेकडाउन करें, तो एक अपन को यहाँ से अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क करें। और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग की सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई एक अपन को अच्छी एक रेंज बनती हुई देखने को मिले, जैसे कि 15 मिनट्स की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उसमें एक अपन को अच्छा कंसोलिडेशन मूव देखने को मिले, और उस रेंज का जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आपने लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।